गाधी नंदन श्री विश्वामित्र जी महाराज। इस शंका में नहीं रहिएगा, कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा कि वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी दो हैं कि एक हैं। ये दो नाम हैं, लगते एक जैसे हैं। वशिष्ठ जी कौन हैं? ये दशरथ जी महाराज के कुलगुरु हैं। विश्वामित्र जी कौन हैं? ये पूर्व में क्षत्रिय राजा थे, पर तप बल से इन्होंने ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किया है। विश्वामित्र जी जहाँ यज्ञ करते हैं, जहाँ उनका निवास है बक्सर के क्षेत्र में, बक्सर में जहाँ उनका निवास है, जब जब यज्ञ हवन करते हैं मारीच सुबाहु ये रावण के जो राक्षसगण हैं, ये उस यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। विश्वामित्र जी ने विचार किया, अब मेरा ये यज्ञ मेरे प्रभु के आने से ही संपन्न हो सकता है। विश्वामित्र जी सीधा अयोध्या की ओर मुड़ गए। अयोध्या पहुंचे, महाराज को खबर लगी कि श्री विश्वामित्र जी महाराज पधारे हैं। अति आदर के साथ गए, भीतर राजमहल में लेकर आए, अपने सिंहासन पर विराजमान कराया, षोडशोपचार पूजन किया और अब दशरथ जी ने हाथ जोड़कर धीरे से कहा, महाराज के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावाऊं वारा, दशरथ जी ने पूछा, महाराज आपका आगमन कैसे हुआ? आदेश करिए, क्या आदेश है सेवक के लिए? जो आप कहेंगे निमिष मात्र में उस कार्य की पूर्ति होगी। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन अरे असुर समूह सतावहि मोहि, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि, मैं जाचन आयो नृप तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर वध मैं होब सनाथा, निशिचर वध मैं हो चर वध में हो सनाता। दशरथ जी ने क्या कहा सुनते ही, महाराज आपका आगमन कैसे हुआ? तो विश्वामित्र जी बोल पड़े, राजन असुरों का समूह बहुत त्रास दे रहा है और आज उसी के निराकरण के लिए राजन मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। क्या चाहिए प्रभु, आदेश करिए, जो आप कहेंगे देर नहीं लगेगी। मुनिवर ने कहा, राजन ये अनुज समेत देहु रघुनाथा, छोटे पुत्र लक्ष्मण के साथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को आप मुझे दे दीजिए। निश्चर वध मैं होव सनाथा, राक्षसों का संहार होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। इतना सुनते ही विश्वामित्र जी से सभी भय खाते हैं, ऐसा ना हो क्रोधित हो जाएं, लेकिन इतना सुनते ही दशरथ जी महाराज बोल पड़े, ज्ञानी वर ध्यानी वर महामान्य मानी वर, सोच के सयाने बुद्धि काढ़ी ये कलाम को, अरे नाही ना निकारी हो जो अंश रघुवंशन को, हुक्म नहीं टारी हो गुलाम बिन दाम को, बिंदु कवि वारी तट बाग वन वास लीजे, सकल सुपास लीजे, आप ही के काम को, ग्राम लीजे ठाम लीजे, धन और धाम लीजे, अरे काढ़ लीजे चाम पैना नाम लीजे, राम मेरा सब ले लो, राम नहीं दूंगा कभी नहीं। दशरथ जी ने क्या क्या देने का तय कर लिया, पर एक शर्त है, ये सब एक तरफ और मेरा राम एक तरफ। महाराज अरे चौथे पन पायऊ सुत चारी, चौथे पन पायऊ सुत चारी, विप्रवचन नहीं कहे विचारी, विप्रवचन नहीं कहे सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाए, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाए, राम देते नहीं बनाए गोसाई, राम देते नहीं बनाए गोसाई, मांगहु भूमि धे
दशरथ जी ने क्या कहा, महाराज अरे चौथे पन पायूं सुत चारी। चौथे पन की अवस्था में मुझे ये चार पुत्र मिले हैं। आपने महाराज देखिए बोला तो विप्रवर, पर आपने विचार के वचन नहीं बोला। अगर आप विचारते आप दशरथ से क्या मांग रहे हैं तो आप मेरे राम को नहीं मांगते। ये फर्क है दशरथ जी की भक्ति प्रेम और हमारी भक्ति प्रेम में। हमारे घर पे मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोग अपने ठाकुर जी कोई मांगता है तो उठा के दे देते हैं। अच्छा ठीक है आपके अंदर भाव है तो ले जाइए। अरे उनके अंदर भाव है तो क्या आपके अंदर कुभाव है जो उठा के दे दिया अपने ठाकुर जी को। हाँ मैंने देखा है, एक मैया थी, मुझे जगह का नाम भी नहीं लेना नहीं बताना, एक मैया थी उनके इतने बड़े लाल जी ऐसे सेवी ठाकुर इतने बड़े मंच पे आते थे डेली, लेकिन लेकर दूसरी मैया है तो उन्होंने एक दिन कहा दीदी ये हमारे वाले ठाकुर जी। हमने कहा आपके वाले हैं तो इनके घरे का कर रहे हैं। बोला वो हमने दे दिया सेवा करने के लिए। उन्होंने एक दिन हमसे कहा दीदी अपने वाले ठाकुर जी भी दे दो बढ़िया सेवा करते हैं। हम कहे हम भी बहुत बढ़िया करते हैं। आपके घर का लल्ला कोई आपसे कहे माता जी अपना बेटा दे दो हमें बहुत सुंदर लगता है आपका लड़कवा, एक दिन हम खिला ले दे देंगी। जोर से कहिए आप देंगी अपना बच्चा अपना बालक अपनी संतान दे देंगी। अच्छा ठीक है रोज तो हम खिलाते हैं एक दिन तुम भी खिला लो 24 घंटा देंगी। बच्चा एक संसार का लल्ला देना असंभव है पर भगवान को देना इतना सरल है। भगवान अरे कोई बात नहीं हम वृंदावन से दूसरे ले आएंगे। अरे आपने प्रेम ही कहाँ किया, दशरथ जी से सीखिए। दशरथ जी कह रहे हैं दो अक्षर का राम मांगा है ना। अरे महाराज दो अक्षर का दशरथ के जीवन में जो है सब ले लो। मांगहु भूमि दो अक्षर, धेनु दो अक्षर, धन दो अक्षर, कोशा दो अक्षर। अरे ये सारे दो अक्षर के अलावा अगर संतुष्टि ना हो तो देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। दशरथ प्राण दे देगा पर राम को नहीं देगा। इसीलिए भगवान बड़े बड़े बैरागियों को छोड़ करके दशरथ जी के जैसे गृहस्थी के यहाँ आए हैं। लोग कहते ना बैराग्य में भगवान मिलता है, यहाँ तो गृहस्थ जीवन है दशरथ जी का। जो प्राण से भी अधिक अपने राम को समझे वो भगवान को पाने का अधिकारी है। दशरथ जी ने हाथ जोड़कर कहा मुनिवर अरे हाथ जोड़ी पैया परी अरे करी ला बिनतिया एहो बक्सर के बाबा। अरे मांगी ले धरती धन धाम ए बक्सर के बाबा। मांगी ले धरती धन धाम ए बक्सर के बाबा। मांगी ले धरती सर के बाबा। मांग ले धरती धन धाम के हो सर के बाबा।
बबुआ राम सर के बाबा। मांग ले धरती धन धाम बक्सर के बाबा। मांग ले धरती धन धाम बक्सर के बाबा। बक्सर के बाबा हाथ जोड़ी पैया परी कर ला बिनतिया ए बक्सर के बाबा। अरे मांग ले धन धाम ए बक्सर के बाबा। मांग ले धरती धन धाम ए बक्सर के बाबा। अरे जैसे तैसे पूरन भइले काम ए बक्सर के बाबा। अरे कैसे हम राखब अपन प्राण ए बक्सर के बाबा। कैसे हम राखब अपन प्राण ए बक्सर के बाबा। अरे देतना बनेला बबुआ राम एहो बक्सर के बाबा। भक्त सब दे सकता है पर भगवान से दूर नहीं जा सकता, और जीव भगवान से दूर जा सकता है पर बाकी चीज नहीं छोड़ सकता। एक बार लक्ष्मी मैया और भगवान विष्णु में चर्चा हो रही।
अपना दिखाते हैं। ध्यान से सुनिए, हमें लग रहा है हमने तारीफ कर दी तो आज आपका माहौल बदल चुका है। तो दोनों ने कहा चलो अपना अपना प्रभाव दिखाओ सरकार। तो भगवान विष्णु एक संत का वेश लेकर के गए एक व्यक्ति के यहाँ, जो नाम जप भी करे और देखने में बढ़िया सात्विक जीवन जीता था। संत के वेश में गए, बोले बेटा आज के दिन क्या आपके यहाँ मैं रुक सकता हूँ? व्यक्ति ने कहा महाराज हमारा परम सौभाग्य, पधारिये पधारिये कुटिया में। अच्छा ठीक है, संत पधारे। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी मैया आई, एक बुढ़िया के वेश में आई, बूढ़ी अम्मा का वेश, वृद्धा का वेश बनाकर। बोली बेटा आज के दिन तुम्हारे यहाँ भोजन मिल सकता है क्या? अरे माता जी बिल्कुल, पधारिये पधारिये। अब भोजन करने के लिए लक्ष्मी मैया ने अपनी सोने की थाली, हीरे लगे कटोरियां, गिलास, पूरे बर्तन हीरे पन्ने के निकाले, सोने चांदी के। देखते ही तो व्यक्ति की आंखें फटी की फटी, बताओ बुढ़िया सी हैं और इतना करोड़ों की तो ये हिसाब किताब लिए फिर रही हैं। उसके बाद भोजन किया मैया ने, तो बोला उसने माता जी आपके बर्तन हम धोए कि आप धो लेंगी? बोला नहीं नहीं बेटा, हम एक बार जिस भोजन बर्तन में भोजन कर लेते हैं दोबारा नहीं करते, जिसके यहाँ भोजन करते हैं उसी को हम दे देते हैं। अब तो इसने कहा अरे माता जी आप तो एक आख हफ्ता रुको हमारे घरे, रुकिए ना थोड़े दिन, इतने कौन जल्दी है। सोचा जय दिन रुकेंगी तय दिन भोजन का बर्तन हमको देंगी। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा नहीं नहीं बेटा, हमारा नियम है जहाँ संत रुके हो वहां हम नहीं रुकते हो, भगवान विष्णु वही घर में थे। लक्ष्मी मैया ने कहा जहाँ संत रुके वहां रुकते नहीं है। उतना सुना ही था कि वो भगत जी ने कहा ओ महाराज खुद निकलोगे कि हम धक्का मार के निकालें? जितने स्वागत से भगवान को अंदर किया था ना, लक्ष्मी मैया भी मुस्कुरा के भगवान की ओर देख रही हैं, बेटा धक्का नहीं लगा पाना तो हमको बताना हम आएंगे। एक मिनट के अंदर सारी श्रद्धा इधर की उधर। यहाँ दशरथ जी कह रहे हैं अरे सरकार मांगी ले धरती धन एहो बक्सर के बाबा। अगर ये चले गए आपने ये सोचा आप इनको तो ले जाओगे, पीछे से मेरा क्या होगा? अरे कैसे हम राखब आपन प्राण एहो बक्सर के बाबा। अरे प्राण भी दे दूं पर राम नहीं। विश्वामित्र जी अब सोचने लगे, अब हम समझे कि जंगल छोड़ के भगवान महल में काहे जय जय करने आए। वशिष्ठ जी की ओर देखा, वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया राजन जब आपके पुत्र नहीं था तो यज्ञ भगवान ने आपको पुत्र प्रदान किया, अब यज्ञ भगवान की रक्षा में अगर आपको दो पुत्र भेजने भी पड़ रहे हैं तो भेज दीजिए। मेरे प्रभु दोनों भैया चले हैं आज विश्वामित्र जी के साथ। रास्ते में ताटक वन पड़ा जहां पर ताड़िका नाम की राक्षसी रहती है। ताड़िका दौड़ी है क्रोध करके, जैसे ही ताड़िका को सामने से आते देखा रघुनाथ जी ने, लक्ष्मण भैया ने धनुष निकाला और लक्ष्य साधा। राम जी ने कहा लक्ष्मण हम क्षत्रिय अबला पर निर्दोष पर नहीं बाण चलाते स्त्रियों पर, ये अबला है। विश्वामित्र जी ने कहा रघुनाथ जी तुरंत वध करिए, ये अबला नहीं सबला है और उससे भी बड़ी ये बला है। कहीं बाण प्राण हर लीना दीन जानते ही निज भग दीना। प्रभु ने एक बाण से ताड़िका का उद्धार किया। आश्रम में पहुंचे मारीच सुबाहु को मुक्ति दी प्रभु ने। मारीच को मुक्ति नहीं दी है क्यों? क्योंकि बिना फर का बाण मारा कारण अगर अभी से इसको मृत्यु दे देंगे तो आगे सोने का हिरण भी तो बनने की जिम्मेदारी इसी की है ना। तो मारीच को भेजा कहां? सत जोजन का सागर पारा। आज जो आप मॉरिशस नाम का टापू सुनते हैं ना, मॉरिशस सुना है? कहते हैं ये पहले वही था जहां पर मारीच को फेंका है, इसका नाम था पहले मारीचस। मारीच और अस मतलब ये दोनों का हलंत लग के था, जिसको अब थोड़ा सा अपभ्रंश करके जिसको मॉरिशस बनाया गया है। तो वहां तक प्रभु ने फेंका। अब इधर सुबाहु को अग्निबाण से जलाया, 14,000 सैनिकों का संहार हुआ है। विश्वामित्र जी ने बला अति बला नाम की विद्याएं प्रदान की है रघुनाथ जी को। अब